नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त और आपके लिए लेके आया हूँ आज इंटरेस्टिंग से टॉपिक पे एक इंटरेस्टिंग से वीडियो। तो आपको मैं आज बताने वाला हूँ कि जो आप मुझसे कई बार सवाल पूछते हो कि हीरोज़ को अपग्रेड कैसे करें, अगर अपग्रेड लगा देते हैं तो वार हार जाते हैं, अपोनेंट्स पे 3 स्टार नहीं कर पाते। तो इसके लिए मैं आपके लिए आज सॉल्यूशन लेके आया हूँ कि आप वार भी नहीं हारेंगे, आपके लिए वार के हीरोज़ भी रेडी रहेंगे और वो अपग्रेड भी होंगे। सुपर थिन ने इसके लिए एक क्विक अपडेट दिया था अभी, जिसमें अपडेट में आपको मिल रहा है यहाँ पे जो मैजिक आइटम दिख रहे हैं, मैजिक आइटम में एक अपडेट दिख रहा होगा यहाँ पे, जो आपको दिख रहा होगा कि ये बिल्डर पोशन जो है ये एक्चुअली क्या करता है कि बिल्डर को 10x फास्टर कर देता है, कि जो काम ये करने वाला था उसको ये 1 घंटे में 10 घंटों का काम कंप्लीट करा देता है। तो अगर इसे सेल करने जाओगे तो एक्चुअली सिर्फ 10 जेम्स मिलते हैं, लेकिन इसका सही इस्तेमाल करोगे तो आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि इसका यूज़ क्या होता है, बस वो बिल्डर काम को लगा देते हैं 10x फास्टर होने वाला है, लेकिन इसको सही तरीके से अगर लगाते हैं तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है। तो ज़्यादा यूज़ कैसे करना है मैं बताऊँगा आपको इस वीडियो में। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले COC और गेमिंग रिलेटेड इंस्ट्रक्शन से टॉपिक को लेकर हम वीडियोस बनाते रहते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि यहाँ पे दोनों जो है बिल्डर बिजी दिख रहे हैं, दोनों अपग्रेड हो रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं टाइप करता हूँ तो यहाँ पे दिखता है बूस्ट बिल्डर्स। एक्चुअली सबसे पहले मैं ये बात कंफर्म करा देता हूँ आपके, अगर आपके हीरोज़ अपग्रेड हो गए तो बाकी कामों के लिए भी आप इन्हें यूज़ कर सकते, लेकिन आपके अपग्रेड हीरोज़ अपग्रेड नहीं हुए उस कंडीशन में अगर आप हीरोज़ नहीं लगाना चाहते तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे जो आपको मैजिक आइटम में दिखता है तो ये बिल्डर पेशेंट एटलीस्ट आपको कलेक्ट जितना 5 की स्पेस दी गई है तो आप 5 स्पेस तक इसे कलेक्ट करके रखें, और जब आप इन्हें यूज़ करना चाहते हैं तब तो पाँचों के पाँचों एक साथ बैक टू बैक पर हर यूज़ कीजिए, ताकि आपके हीरोज़ का जो टाइम है वो कम हो जाएगा। आप सोचते होंगे कि अगर मैं हीरोज़ अपग्रेड पे लगा दूंगा तो मैं वार नहीं खेल पाऊंगा, बिकॉज वार पे 3 स्टार नहीं होगा और मुझे क्लाइंट से किक कर दिया जाएगा। तो इसके सॉल्यूशन के लिए जो है ये बेस्ट टिप है, जो कुछ भी प्रो टिप्स भी आप बोल सकते हैं जो मैं आपको बताऊँगा अभी इस वीडियो में। तो हीरोज़ जो यहाँ पे देख लिया आपने बिजी है, तो ये कैसे काम करते हैं ये तो हमें भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता। तो ये एक साथ सारे के सारे बिल्डर्स एक ही साथ 10 हॉर्स के लिए बिजी हो जाते हैं, या फिर कोई भी एक बिल्डर बिजी हो जाता है, यही हम देखेंगे इस वीडियो में कि ये एक्चुअली काम कैसे करता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप क्वीन देख रहे हैं, क्वीन को मैं अपग्रेड करूँगा तो फ़िलहाल तो मेरे हीरोज़ ही है जो मैं अपग्रेड करना चाहता हूँ, तो मैंने 2 ही बिल्डर बिजी रखे हैं। तो मैं किसी एक को लगाऊंगा तो एक काम करेगा या फिर दोनों बिल्डर काम करते हैं ये देखेंगे। तो अभी मैं फ़िलहाल क्वीन के लिए अपग्रेड लगाता हूँ, मेरे पास 2 बिल्डर पोशन है तो मैं पहला ही यूज़ करता हूँ अभी। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे यूज़ किया तो 10 आवर के लिए जो 10 घंटों का काम है ये 1 घंटे में कम्प्लीट करेगा। तो ये जो है स्टार्ट हो गया है, बट ये क्वीन के पास स्टार्ट हो गया है। देखिए ये क्वीन का जो बिल्डर है ये काफ़ी तेज़ी से काम करने लगा है, लेकिन जब देखिए दोस्तों जो किंग का जो बिल्डर है वो भी काफ़ी तेज़ी से काम करने लगा है। देखिए इन्फो में अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो ये काफ़ी तेज़ी से काम करने लगा है। तो एटलीस्ट अगर आपके पास 1 बिल्डर पोशन है तो वो सारे जितने भी बिल्डर्स आपके लगे हुए हैं काम पे उतने ही बिल्डर्स काम करने लगेंगे 1 ही बिल्डर पोशन में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपग्रेड लगाइए एक साथ में और बिल्डर पोशन का यूज़ कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये एक चीज़ पे काम करता है तो ऐसा नहीं, ये सारी चीज़ों पे काम करता है। एटलीस्ट आपके जितने बिल्डर्स बिजी होंगे उन सभी पे काम करता है। तो आपको करना क्या है इसके लिए कि सबसे पहले आपको सारा गोल्ड और एलिक्सर कलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद में आपको सभी अपग्रेड लगा देने हैं, और उसके बाद में आपको ये यूज़ करना है। 1 घंटे में जितना भी काम 5 बिल्डर करने वाले थे 10 घंटों में वो 1 घंटे में कंप्लीट करके रख देंगे जितने बिल्डर्स बिजी है। तो ये बिल्डर पोशन काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है इस वाले में, क्योंकि मैजिक आइटम में अगर हम देखते हैं तो ये बिल्डर पोशन के अलावा भी बाकी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग सा था, लेकिन बिल्डर पोशन वाला है जो सबसे बढ़िया है, क्योंकि हीरोज़ अपग्रेड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वार खेलने में जो मज़ा आता है वो कहीं नहीं है। दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग सा गेम बन गया है स्ट्रैटेजी वाला, जिसमें वार जैसे इंटरेस्टिंग टॉपिक ऐड किया गया है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपके सभी सवालों के जवाब मैंने इसमें दिए होंगे। अगर इसमें से कुछ भी रह गया हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, और कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर पसंद आ गया है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक में, तब तक के लिए मुझे अलविदा कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ।
बाय बाय दोस्तों।